हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्रदास। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम छोटी सी लीला देखेंगे मध्वाचार्य की। तो मध्वाचार्य जब बचपन में छोटे थे, उनके माँ और पिता उनके साथ रहते थे। वो उडुपी के पास एक नजदीक जगह है, उसका नाम है पजका क्षेत्र, वहां पे वो रहते थे। तो उनके पिता का नाम था मध्यगेय भट्ट। तो ऐसे जो मध्वाचार्य, उनका नाम बचपन में वासुदेव था। तो बचपन से ही वो बहुत तेजस्वी और बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि वो डायरेक्ट अवतार थे किसके, हनुमान, भीम और वायुदेव, तीनों का मिक्स इनकार्नेशन थे मध्वाचार्य। इसलिए बहुत ही शक्तिशाली थे ऐसे मध्वाचार्य। और हम उसी के लाइन में आते, उनके लाइन में ब्रह्म मध्व गौड़े संप्रदाय, मध्वाचार्य के लाइन में हम आते, गौड़े संप्रदाय। तो ऐसे ये मध्वाचार्य, बचपन में उनका नाम था वासुदेव, तो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही तेजस्वी ऐसे व्यक्ति थे। तो एक बार उनके घर पे एक व्यक्ति आया। तो ये जो व्यक्ति आया मध्वाचार्य के, वासुदेव के घर पे, और उनके पिताजी के साथ बात कर रहा था। तो ये जो व्यक्ति था, इसको या इससे मध्वाचार्य के पिताजी, वासुदेव के पिताजी यानी मध्यगेय भट्ट ने कुछ लोन लिया था, और वो लोन फिर से देना था। इसलिए वो व्यक्ति आता था, बार बार आता था और पूछता था कि मेरा पैसा कब दोगे, कब दोगे। लेकिन ये क्योंकि इनका परिवार गरीब था, वासुदेव, उनके पिताजी मध्यगेय भट्ट, इनका गरीब परिवार था, इसलिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तो हालांकि उन्होंने लोन लिया था, लेकिन देने के लिए पैसे नहीं थे। तो ये व्यक्ति बार बार आता था, और एक बार ऐसा आया तो वो बहुत गुस्सा हुआ था कि वो बोला, आज मैं यहाँ से आपसे पैसे लेके ही जाऊंगा। ऐसा वो व्यक्ति आया और उनके पिताजी के साथ झगड़ा करने लगा। तो ये छोटा वासुदेव देख रहा था ये सब कुछ। तो मध्यगेय भट्ट बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है अभी, मैं बाद में दूंगा। लेकिन ये व्यक्ति मान नहीं रहा था। वो बोला, आज मैं आपके घर के दरवाजे के सामने ही बैठूंगा, और इधर से मैं हिलूंगा ही नहीं, जब तक आप मेरा पूरा पैसा देते नहीं मैं इधर से जाने नहीं वाला। तो उस समय ऐसा कल्चर रहता था कि कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, उसको अतिथि देवो भव समझते थे। कोई अतिथि आता था तो उसको भोजन देते थे, और बिना भोजन, अगर वो भोजन नहीं करता तो उसको बहुत अशुभ माना जाता था। और ये जो व्यक्ति आया, उसने भोजन नहीं किया और वैसा ही दरवाजे पर बैठा और बोला, मैं इधर से हिलूंगा नहीं और मैं कुछ खाऊंगा नहीं जब तक आप मेरे पैसे नहीं देते। तो अगर उसने अगर भोजन नहीं लिया अतिथि ने, तो घर वाले भी भोजन नहीं ले सकते, ऐसा उस टाइम का कल्चर था। तो ये वासुदेव के पिताजी मध्यगेय भट्ट और उनकी पत्नी सोचने लगी कि हम क्या करें, अभी वो खुद भी कुछ खा नहीं सकते और ये व्यक्ति को भी कुछ दे नहीं सकते। तो वो बहुत ही कंफ्यूजन में थे, बहुत ही दुखी थे। तो ये वासुदेव ने देखा, और फिर वासुदेव बोले, पिताजी को क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ? तो फिर उनके पिताजी ने ऐसे ऐसे बोला कि हमने कुछ लोन लिया था, अभी वो दे नहीं पा रहे और ये व्यक्ति आ गया, इधर बैठा है। तो वासुदेव जो है, वासुदेव छोटे मध्वाचार्य, वो इस व्यक्ति के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलो, और फिर माता पिता को बोलते हैं आप भी मेरे साथ चलो। तो ये सभी एक उधर उनके बाहर ही, घर के बाहर एक गार्डन था, उस गार्डन में जाते हैं, और एक बड़ा इमली का पेड़ था। तो मध्वाचार्य, वासुदेव इन सबको लेके जाते हैं, उनके पिताजी को, उनके माँ को, और ये जो व्यक्ति अतिथि आया रहता है, तो इनको लेके जाते हैं वहाँ पे, और वो इमली के पेड़ के पास लेके जाते हैं, और वहाँ पे कुछ इमली के जो बीज है, सीड्स है, वहाँ पे पड़े रहते हैं। तो कुछ सीड्स लेते हैं मध्वाचार्य, वासुदेव अपने हाथ में इमली के कुछ बीज लेते हैं हाथ में, और बोलते हैं इनको, जो व्यक्ति को, कितना पैसा लिया था मेरे पिताजी ने आपसे? तो वो कुछ अमाउंट बोलते हैं, इतना इतना पैसा लिया था। तो वो हाथ ऐसे खोलते हैं और देते हैं, तो उसमें वो जो इमली के जो सीड्स होते हैं वो सोने में परिवर्तन हो जाते हैं उसका, और वो गोल्ड कॉइन्स बनते हैं। और फिर ये वासुदेव हाथ खोल के बोलते हैं, गिन लो कितना है। और वो जब गिनते हैं, जो व्यक्ति गिनता है, एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट था जितना वासुदेव के पिताजी ने लोन लिया था। तो ये देख के वो चौंक जाते हैं सभी, कि कैसे ये कर पाया मध्वाचार्य, हमारा छोटा सा वासुदेव। तो फिर वो व्यक्ति चला जाता है खुश होके, और मध्वाचार्य, वासुदेव अपने घर पे आ जाते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ये बचपन से ही वो कुछ अलग अलग ऐसी सिद्धियाँ उसको थे काफ़ी सारे, और वो सिद्धि प्रकट करते थे वासुदेव। और एक बार तो ऐसे वो जब तबेले में गए, उधर तबेला था बड़ा, जिसमें बड़े बड़े घोड़े रहते थे, और घोड़ों के लिए इतना सारा चना रखा था, जो बहुत ही हार्ड चना होता है, जो घोड़े के लिए रहता है। तो वो उधर जाके, ये वासुदेव ने छोटा था बचपन में, वो सारा की सारा खा लिया कच्चा ही, और वो डाइजेस्ट भी कर लिया, क्योंकि वो कौन है, वायु के अवतार है, हनुमान के अवतार है, भीम के अवतार है। इसलिए वो बचपन से ही कुछ अलग अलग चीज़ें करते थे। और बाद में वो बड़े हो गए, एक बार उनके सारे शिष्यों के साथ वो जा रहे थे कुरुक्षेत्र से। तो कुरुक्षेत्र हमें पता है जहाँ पे
बड़ा युद्ध हुआ था, जैसे धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध वा मामकः पांडव चैव किम अकुरत संजया। तो ऐसा जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र था, उधर से मध्वाचार्य और उनके सारे शिष्य जा रहे थे, तो मध्वाचार्य उनको एक कोने में लेके गए और बोले कि यहाँ पे वो बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत का, और उस समय मैं भी था, मैं था भीम, और मैंने भी इस युद्ध में भाग लिया था, और मेरे पास बहुत ही विशाल ऐसा गदा था। तो मध्वाचार्य उधर जाते हैं और खोदते हैं उधर जमीन, तो सारे शिष्य देख रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज क्या कर रहे हैं। तो उधर मध्वाचार्य खोदते 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 और थोड़ी देर के बाद नीचे से क्या करते हैं, वो गदा निकालते हैं जो भीम ने इस्तेमाल किया था। तो सोचिए, भीम जो थे कितने 5000 साल पहले, उस समय उन्होंने ये युद्ध किया था, उस समय की जो गदा, इतनी बड़ी गदा, वो मध्वाचार्य निकालते हैं और दिखाते हैं, ये गदा मैं जब भीम था उस समय मैंने इससे युद्ध किया था और सारे कौरवों को मारा था। इतनी ह्यूज विशाल का गदा सब देखते हैं शिष्य और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और फिर उनको विश्वास आता है कि यही भीम के ही अवतार है, यही है वो भीम। और फिर बाद में फिर से मध्वाचार्य उसको उधर ही दफना देते हैं गदा को, और फिर मिट्टी डाल के आगे चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लीला है मध्वाचार्य के, जो हमारे बड़े आचार्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे।